जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में रविवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं और वामपंथी छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प। हमले में जेएनएसयू की अध्यक्ष ऐशे घोष समेत कई अन्य विद्यार्थी बुरी तरह से घायल हो गए। वीडियो में घोष के शरीर से खून निकलता साफ देखा जा सकता है। तो खबरों के मुताबिक लोहे की रोड से उनकी आंख पर हमला किया गया है। हमले के बाद एम्स कोमा में एक प्रोफेसर समेत 18 घायलों को भर्ती कराया गया। इनमें से 11 घायल छात्र एबीवीपी के हैं। जेएनयू के महासचिव सतीश चंद्र भी इस दौरान घायल हो गए। रविवार को जेएनयू में हिंसा में करीब 18 छात्र घायल हो गए थे, इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्र संगठनों एसएफआई, आईसा और डीएसएफ पर अपने कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। मामले पर गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। तो एक बार फिर से जेएनयू में हिंसा की ये खबर सामने आई है। देर रात यहां पर यह हिंसक का झड़प देखने को मिली, जिसमें कई छात्र एक प्रोफेसर समेत घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल एम्स में भर्ती कराया गया है। राहुल गांधी ने भी अब इसमें पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि इस हिंसक झड़प के पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं। हाल तो नहीं है, लेकिन इतने लोग ये बात बता रहे हैं, मीडिया वाले बता रहे हैं, यहाँ के बच्चे जेएनयू से निकल कर आए वो बता रहे हैं। उसी समय लोग जो फोन कर रहे थे उसमें यही बात कही गई है कि नकाबपोश लोग घुसाए, पुलिस गेट पर खड़ी रही और ये तमाशे वहाँ होते रहे। उन्होंने लोगों पर हमले किए, प्रहार किया, बहुत बुरी तरह लोग घायल हुए हैं। ये सब हुआ और उसके बाद फिर बहुत देर में पुलिस पहुंची जब सब कुछ हो चुका था। जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, इसके लिए आए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी घटना घटित हो रही है, जेएनयू के अंदर एक महिला प्रोफेसर के ऊपर हमला किया गया, उनका सर फोड़ दिया गया, एक छात्र संघ की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, उनके ऊपर हमला हुआ, उनका सर फोड़ दिया गया, एक सतीश चंद्र यादव महामंत्री थे उनके ऊपर अटैक हुआ। तो इस तरह से घटनाएं वहां पे हुई जिससे पूरा देश विचलित है।